बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे बहनों ते भराओ, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? आज मैं बड़ी मजेदार बनाने लगी हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मटन, वाइट मटन कढ़ाई, तो बहुत मजा आने वाला है, तो जरूर देखिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये मैंने प्रेशर कुकर लिया है, ये मेरे पास मीट था 1.5 kg, मटन था, ये मैंने अच्छी तरह धो के तो रखा हुआ है। ये जाएगा इसमें, इसमें 1 teaspoon सॉल्ट जाएगा, 1/3 teaspoon इसमें जाएगा ऑयल, दैट्स इट। ये ग्लास मैंने पानी का डाल दिया है, बस और इसमें कुछ नहीं डालना, आगे मैं बताऊंगी कि क्या करना। बस इसी को, इसी तरह प्रेशर को बंद कर दिया, जैसे ये विसल बोलना शुरू होगा तो 1-2 whistle के बाद इसको कुकर को कर दूंगी बंद। ये ले, ये 2 से 3 मिनट वेट करते हैं तो फिर मैं आपको मिलती हूँ। बिलावल शरीफ का महीना शुरू हो चुका है, उठते बैठते दुरूद पाक जरूर पढ़ा करें, दुरूद शरीफ का फिर चलते फिरते करें, फिर खुद ही आपको अपने अंदर एक इत्मीनान सा महसूस होगा जिसको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। अल्लाह की सुन्नत को अपनाएगा जो भी, वो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह तक पहुंच जाएगा। तो आइए आज हम सब मिलके दुरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ये प्रेशर कुकर मैंने खोला है तो ये देखिए, इसमें इतना सा पानी है और इतना सा रहना भी चाहिए। साथ ही मैंने रखी है कढ़ाई, सारा गोश्त डाल दिया है, ये देखिए, ये इसी तरह पानी जितना, इतना का पानी रहना चाहिए और गोश्त डाल दिया मैंने। बस इसको अच्छी तरह भून लेना। अब मैं इसमें डालूंगी ये सूखा धनिया जीरा पाउडर 1 tablespoon भर के, ये देखिए इस तरह, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगी और इसी तरह ये वाइट पेपर जाएगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। सॉल्ट मैंने पहले डाल दिया था, ये बिल्कुल थोड़ी सी इंग्रेडिएंट है और इतना ये मजे का बनता है ना। अभी मैंने इसमें कोई घी नहीं डाला, ये देसी घी में बनती है कढ़ाई, ना इसमें ये प्याज जाएंगे ना इसमें टमाटर जाएंगे, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की ना ये कढ़ाई बनेगी हमारी, बहुत मजे की बनती है ये। अब इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है ताकि ये पानी अच्छी तरह खुशक हो जाए। जिस तरह दूसरी कढ़ाई में काट के हरी मिर्चें डाली जाती, इसमें वो भी नहीं डाली जाएंगी। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, इतनी इतनी महंगी ये कढ़ाइयां खाते हैं और ये इतनी इजी है और बिल्कुल इसी तरह वो बनाते हैं और इतनी ये मजे की बनती है। अब इसमें जाएगा ये योगर्ट, ये योगर्ट डाल के फिर इसको अच्छी तरह भूना है। जब भी खाना बनाएं दुरूद पाक पढ़ते रहें, कोई ना कोई वज़ाइफ पढ़ते रहें, इसका असर बच्चों में भी बहुत होता है और खाना भी बड़ा ही लजीज और बरकत वाला होता है। और ये सारी चीज़ें मैंने आजमा के देखी हुई हैं। ये देखें, ये इसको इसी तरह अच्छी तरह मैंने भूना है। ये जब सारा ये योगर्ट का पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसमें मैं देसी घी डालूंगी। आपने देखा होगा कि अभी तक मैंने ना घी नहीं डाला, उसको ना अर्ली स्टेज में नहीं डालना।
अब ये जाएगा इसमें देसी घी। घी ना जरा ज्यादा डालिएगा, बेशक बाद में निकालिए, मैंने वो मेल्ट किया हुआ था ये, इसमें ये ऑयल में नहीं पकती, ये देसी घी में पकती है। इसके साथ मैं बनाऊंगी तंदूरी रोटी, नान के साथ भी आप खा सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको ना घर में तंदूर वाली रोटी बनाना सिखाऊंगी। ये साबुत ही मैंने डाल दी हरी मिर्चें। अब इसमें जाएगी ये थोड़ी डबल क्रीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब इसमें जाएगी पिंच ऑफ मेथी, सूखी मेथी, ये ऑप्शनल है, मुझे जरा इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैं इसलिए डाल देती। ले जी माशाल्लाह, कढ़ाई तो हमारी रेडी हो गई। अब थोड़ी सी इसमें जाएगी ब्लैक पेपर, ये देखिए बस इतनी ही सी, ये देखिए ब्लैक पेपर डाल के ना बहुत ज्यादा भूनना नहीं है ना, तो वो जो है ना खाने का कलर वो ब्लैक की तरफ चला जाएगा, बस जी इसी तरह ही रहने दें। ये देखिए जरा माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खुशबुएं हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। अब हम बनाते हैं रोटी और फिर खाते हैं मजे से। ये इसके साथ मैं बनाने लगी तंदूरी रोटी, आप प्लेन भी बना सकते हैं दूसरी भी, लेकिन मैंने कहा चले मैं आज ना तंदूरी रोटी इसके साथ बनाती हूँ। इंडिया पाकिस्तान में तो ये हमारे बहन भाई बाजार से भी ले आते हैं, लेकिन इधर ज़रा मुश्किल होती है, तो मैंने कहा चले दिल बड़ा कर रहा था तो मैंने कहा चले घर में बनाती हूँ तो साथ आपको भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही मज़े की रोटी बनती है। ये देखें जी, ये रोटी डाल दी है मैंने तवे पे, तो बस इसको ना एक ही साइड पे पकाना है, तो जब ज़रा ये एक साइड हो जाएगी तो इसी तरह पकड़ के उसको मैंने ये ग्रिल में रख दिए। ये पतले पतले सी फुलके हैं और बड़ी मज़े की, तंदूर से लेके आए ना तो वो ज़रा मोटी मोटी रोटियां होती हैं, तो आप घर में बनाएं, ये बड़ी पतली सी और बहुत अच्छी बनती है। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो ज़रा कितनी फुली है रोटी। अब करते हैं डिश आउट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल एज इट इज आपने ऐसे ही बनानी है और फिर आपको सही वाइट मटन कढ़ाई का मजा आएगा। इतनी थोड़ी सी इंग्रेडिएंट है और इतनी मजे की है ये। इसको ना खुले देसी घी में बनाया जाता है, तो आपकी मर्जी बाद में बिशक आप ना निकाल दें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप ज़रूर बनाइएगा अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, एक दूसरे का ज़रूर ख्याल रखा करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।